Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझे पापा को बता देना चाहिए सर के बारे में। जब तक पापा का रिस्पांस नहीं मिलता, मैं सर को ओके नहीं कर सकती। और पापा तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो कभी मेरी पसंद पर एतराज नहीं करेंगे। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। जी बेटा। हाँ। वो मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था ना कि मुझे आपको किसी से मिलवाना है, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तो वो वक्त आ गया है। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। वो मेरी टीचर है, डॉक्टर मूसा। डॉक्टर मूसा? जी पापा, वही डॉक्टर मूसा जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो बाहर से पढ़कर आए हैं। बेटा तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? वो टीचर हैं तुम्हारे, एज में खासे बड़े होंगे। पता नहीं क्या सोच के तुमने ये फैसला किया। पापा वो बहुत यंग है और हमारा एज डिफरेंस इतना नहीं है, और वैसे भी अगर दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो तो एज डिफरेंस मैटर नहीं करता। ये तुम्हारी बचकाना सोच, लेकिन वो तो एक मैच्योर इंसान है। मेरा नहीं ख्याल वो भी ऐसे सोचते होंगे। नहीं पापा, वो भी मुझे पसंद करते हैं। पसंद करते? ये बात उन्होंने तुम्हें खुद कही? जी पापा, उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। प्रपोज किया मतलब कि तुम्हारी बेवकूफी से फायदा उठा रहे हो? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है। वो इंतहाई डिसेंट और सोबर पर्सनालिटी के मालिक हैं। बहुत केयरिंग। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो बिल्कुल आपके जैसे हैं। आप उन्हें गलत मत समझें। देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप, मेरा तुमसे मोहब्बत करना, तुम्हारी केयर करना फितरी है। अगर कोई और शख्स इसी तरह से करता है, मेरा ख्याल है कि उसके पीछे कोई ना कोई फायदा जरूर है उसका। खैर, ये बातें तुम नहीं समझोगे। पापा, आप एक बार उनसे मिल तो ले, कोई भी फैसला लेने से पहले। ठीक है, मैं मिल लेता हूं। कि मेरी एक बात याद रखना, अगर वो मुझे तुम्हारे काबिल ना लगा तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। पर पापा, शादी मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, और क्या मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में मेरी मर्जी शामिल नहीं होगी? जरूर होगी। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटा, अगर तुम इस तरह से राह चलते को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लोगे तो तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। मुझे खुद भी सोचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप प्लीज उनसे एक दफा मिल लीजिए, फिर हम इस बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच पापा, एंड आई लव यू। I love you too.
हया भी बच्ची है, मासूम, इसे कोई भी बासानी ट्रैप कर सकता है। मुझे जल्द से जल्द उस डॉक्टर से मिलना होगा ताकि मैं देख सकूंगा वो मेरी बच्ची के साथ कितना मुखलिस है। लेकिन अगर वो मुझे पसंद ना आया और मैंने इनकार कर दिया तो क्या हया मेरी बात मान लेगी? हाँ, इसे मानना पड़ेगी। मैं उसका बाप, जो भी करूंगा उसकी बेहतरी के लिए करूंगा। मैं बहुत दिनों से तेरे साथ बात करना चाह रही थी। जी नानो, कहे, मैं सुन रहा हूँ। काशी पुत्र, मैं जाननी है कि तू हयानु बहुत पसंद करना है, लेकिन पुत्र अगर वह नहीं मानती तो हम क्या कर सकते हैं? ओए, दुनिया में और भी तो बड़ी बड़ी सोनी कुड़ियां हैं, पढ़ी लिखी, खानदानी, तो भूल जा हया को। मैं सब जानता हूँ नानो, लेकिन एकदम कैसे भूल सकता हूँ मैं हया को? मेरी बचपन की साथी है, दोस्त थी वो मेरी। उसने इस रिश्ते की वजह से हमारी दोस्ती का रिश्ता भी खत्म कर दिया। जाननी है, तालब ने तीनों बहुत ही ढील दे रखी है, वो इसीलिए तो वो अपने मुंह से वर मांग रही है। अब इसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता, छोड़ पर इन बातों को। ओए, तुझे कोई और भी मिल सकती है, ओए अच्छी से अच्छी। मिल गया है उसे, आपके बेटे से बेहतर, बहुत अमीर और पढ़ा लिखा। उसी की वजह से वो इनकार कर रही है मुझे, और आप देखिएगा वो उसी से शादी करेगी और तालिब मामू भी उसकी इस बात को इनकार नहीं करेंगे। कौन मिल गया? तो किसकी बात कर रहा है? ज्यादा बेहतर है ये बात आप अपने बेटे या पोती से पूछ ले कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। पता नहीं क्या करेंगे ये पोती। मैं पूछती हूँ, तूने इसलिए ती को कॉलेज भेजा है कि वो लड़के पसंद करती? फिर करके लड़के में 100-100 कीड़े निकाल दे, बार पता नहीं किस किस को पसंद करती फिर रही। ना उसे शर्म आ रही और ना तुझे, वो मुंह बंद करके बैठा है। अम्मा, मेरी बेटी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो आप इतनी बातें सुना रही मुझे? इससे ज्यादा क्या होगा? और जब कर की इज्जत को बट्टा लगा देगी तब बेहतर होगा। अम्मा, मेरी बेटी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। जो अपनी बच्चियों पर भरोसा करते हैं वही उनका भरोसा तोड़ती है।
मैं तो सही पूछती कि तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई उसके मुंह से ऐसी बकवास सुनते हुए, और दो रख के उसके कन के पीछे दी होती, दिमाग टकाने आ जाता उसका। अम्मा, इसमें बेशर्मी वाली क्या बात, किसी को अपनी पसंद बताना बेशर्मी तो नहीं हुई? अगर उसने आराम से मुझे बता दिया कि उसे कोई पसंद है, जाकर उससे मिल लूं, बात कर लूं, देख लूं, तो इसमें क्या बुराई है? अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं पसंद करूंगा, अगर नहीं लगेगा तो इनकार कर दूंगा। तालब, तो बड़े बगैरत निकला है, है? ती का दिमाग टकाने लगाने की बजाय उसका साथ दे रहा। इसमें बेगैरती कहां से आ गई? किसी को अपनी पसंद बताना बेगैरती नहीं होता। इस हिसाब से तो काशान ने भी अपनी पसंद बताई मुझे, तो फिर आपने उसे बेइज्जत क्यों नहीं किया? आज से कई साल पहले मैंने आपको अपनी पसंद बताई, तो आपने मुझे बेइज्जत क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि मैं और काशान मर्द हैं और हया एक औरत। अब तो मुझे अपनी मां को गलत बताएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी दी के ऐप छुपाने के लिए। लानत है तुझ पर। अम्मा, जो हक लड़कों को हासिल है ना, वही हक लड़कियों को भी हासिल है। लड़कियां गुनाह करें तो उसकी सजा, और वही बात लड़के करें तो कोई सजा ही नहीं। आप समझने की कोशिश करें, अगर हया ने मुझे अपनी बात बताई, अपनी पसंद बताई है, तो इसमें कोई गुनाह नहीं। और अगर यही बात मुझे काशान ने बताई है, तो मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुझे पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज दिया। तू तो सारा ही अंग्रेज हो गया। अगर मुझे पता होता ना कि तू ऐसा हो जाएगा, तो कसम है खुदा के तुझे मैं कभी बाहर ना भेजती। अम्मा, मैं हक और बराबरी की बात कर रहा हूं, आप क्यों नहीं समझ रही? समझ रही, बड़ी चंगी तरह समझ रही कि तू अपनी ती की मोहब्बत में अन्ना हो गया, लेकिन मेरी एक गल याद रखी पुत्र, हया को देवी इतनी आजादी एक दिन तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। याद रखी अपनी मां की गल। क्या बात है, सब खैर तो है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। लग नहीं रहा, मैं हूं परेशान। मुझे बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। तुमने आज तक किसी परेशानी में मुझे हेल्प आउट किया, जो अब करोगी? आपने भी तो पहले कभी अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर नहीं की। तुमको किसी मामला की समझ हो तो तुम बात करो। तुम तो गांव से पढ़ी लिखी हो, और वैसे भी वहां गांव के अनपढ़ माहौल में पढ़ने लिखने वाली लड़की जिंदगी के मामला को नहीं समझ सकती। बेहतर तरीके से पढ़े लिखे माहौल में पढ़ने वाली लड़की कर सकती है। सही कह
वैसे भी समझदारी का ताल्लुक पढ़े लिखे माहौल उम्र या ज्यादा डिग्रियों से नहीं होता। आपने भी तो बहुत सी डिग्रियां ली हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर आप कभी ये बात नहीं समझ सके। तुम मुझे ताने दो, तुम्हारी अपनी क्या हैसियत? मैंने कब कहा कि मेरी कोई हैसियत? अगर मैं इतनी भी ना समझ रही हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, पहले हया की वजह से बहुत परेशान। हया की वजह से क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ ठीक है सर, वो हया किसी को पसंद करती है और वो चाहती है कि मैं उससे मिल लूं। पसंद करती है? ये सब कुछ उसने आपसे कहा, उसे शर्म आनी चाहिए। उसमें शर्म वाली क्या बात, सिर्फ तुम्हारी और अम्मा की ना वही जाहिलाना सोच गांव वाली। अगर तालिम बेटियां अपने बाप से ऐसी बात नहीं करती। हाँ तो जब बेटी की माँ बेटे की माँ ना बन सकी तो सारे मामला बाप को ही देखने पड़ते हैं। वो आप ही जिसने मुझे उसकी माँ नहीं बनने दिया, जो मुझे उसके करीब नहीं आने देते थे। अब तो सारे गुनाह मेरे सर हैं, मैं अकेली मुजरिम बन गई। ये हाथ देखो मेरे, माफ कर दो मुझे। तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी तू फूल भी है धूल भी है जिंदगी, तुझे क्या कहूं पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की जिंदगी, तुझे क्या कहूं ऐ जिंदगी, तुझे क्या कहूं। जान मार के रखती मैंने इस शख्स और इस घर के लिए, इसने कभी शुक्र गुजारी की दो लफ्ज तक नहीं निकाले मुझसे। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर को संभालने के लिए, अपना आप खत्म करके रख लिया सिर्फ इस शख्स और इसकी मां बहन के लिए। लोग कितनी आसानी से माजी को भूलकर सारी गलती दूसरों के सर डाल देना जानते हैं। अपनी ज्यादतियां और ना इंसाफी किसी को याद नहीं रहती, लेकिन दूसरों के ना करदा गुना अच्छे से याद रह जाते हैं। बेवफाई और वफा के दरमियां चोटी के भी पर निकल आए हैं, तेरी भी जुबान बड़ी लंबी हो गई। चिमटी को अगर मुसलसल कुचलने की कोशिश की जाए तो उसे अपने दफा के लिए काटना पड़ता है। आप खाना खाएं और ऐसे मामलों पे मत सोचिए जो आपके सोचने के हैं ही नहीं, क्योंकि आप बूढ़ी हो चुकी हैं। मेरा नाम काशान, मैं इस कॉलेज का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ और बदकिस्मती से उस हया का कजन हूँ जिसे आप अपनी मोहब्बत का झांसा दे रहे हैं। माइंड योर लैंग्वेज।